हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ दिया है डायग्नोस्टिक, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन, ऑल ऑफ दीज। डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है मेडिकल डायग्नोसिस, जितने भी डायग्नोसिस होती है उसमें डिजीज डिटेक्ट करने में। ठीक है, डिटेक्ट करता है किसको, डिजीजेस को, अर्ली और एक्यूरेटली अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पर जो टेक्निक्स यूज होती हैं इसमें, वो होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं पैथोजन को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड अदर हेल्थ कंडीशन। ओके, तो ये करेक्ट है, एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। फिर दिया है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी प्ले करती है क्रूशियल रोल इन द फूड इंडस्ट्री बाय इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट, शेल्फ लाइफ, जैसे आप टोमेटो में देख लेते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ा दी गई, सेफ्टी ऑफ प्रोसेस्ड फूड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि एंजाइम प्रोड्यूस टू बायोटेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन और यूज्ड टू एनहांस फूड क्वालिटी, तो ये भी क्या हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। फिर दिया है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिपिकली माइक्रोब्स, टू रिमूव और न्यूट्रलाइज कंटामिनेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है बायो रिमेडिएशन भी। करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 181 पर गिवन है। थैंक यू।